जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आज के इस महामैराथन क्लास में, जहां पर शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा प्राथमिक और जूनियर के लिए हम लोग एक बड़ी सीरीज पढ़ने जा रहे थे, जहां पर हम विविध के 50 नंबर की सीरीज में 5 नंबर के महत्वपूर्ण जीएस और जीके की सीरीज लेकर आए हैं, जहां से आपकी परीक्षा में निश्चित रूप से प्रश्न आएंगे। तो अगर आप लोग एल यानी दुर्गेश से जुड़े हुए हैं तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं आपके लिए प्रतिदिन 9:30 बजे निशुल्क क्लास लेकर आता हूं, ताकि आप सभी निशुल्क शिक्षा लेकर देश हित में, राष्ट्र हित में कुछ बेहतर करें। क्लास की शुरुआत होने के बाद आप सभी साथियों से निवेदन है कि आप कॉपी कलम लेकर बैठिएगा, क्योंकि जब आप कॉपी कलम लेकर बैठेंगे तो आप सबसे बड़ा फायदा आपका ये होगा कि कहीं ना कहीं जो तथ्य हम लोग चलेंगे, नोट डाउन करते चलेंगे, आपकी एक बेहतर नोट्स तैयार हो जाएगी। चलिए बिना देरी किए अब हमें अपनी क्लास की शुरुआत करनी चाहिए। पहला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर होगा, क्लास बड़ी होगी लेकिन आपके सिलेक्शन के लिए होगी, यहाँ से परीक्षा आपके यहाँ से जो प्रश्न हूबहू आएंगे। चलिए आपके सामने पहला प्रश्न है, भारत में जून महीने में सबसे लंबा दिन कहाँ होता है? तो जो भी वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी मित्र फटाफट कमेंट करके बताएं। जी हाँ साथियों, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, जैसे अगर हम यहाँ पर भारत का मैप बना लें और इस पर हम लोग चर्चा करें कि जून में कहाँ पर लंबा दिन होता है, तो सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब, ताकि हम लोग इसको अच्छी तरह से पढ़ सके। माना ये हमारा भारत है, लेकिन एक बात आपको विदित होना चाहिए, आपको जानना चाहिए कि जो ये भारत की बात करें तो ये तो गया, भारत कहाँ पर है? 23.5 डिग्री यहाँ पर है। भारत कहाँ पे है? कर्क रेखा पर है। कर्क रेखा कहाँ से? भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका मतलब जून महीने में सबसे लंबा दिन जो सबसे ज्यादा उत्तर में होगा। अब बताइए उत्तर में क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थन हेमिस्फीयर, क्योंकि कर्क रेखा यहाँ पे जाती है, इसके उत्तर में। तो कहाँ पे? कोलकाता। देखिए दिल्ली कहाँ पे? दिल्ली यहाँ पर हो गया विकल्प ए। चेन्नई कहाँ पर है? विकल्प बी। कोलकाता कहाँ पे है? विकल्प सी। विकल्प डी यहाँ पर है। अब आप बताइए सबसे उत्तर में कौन सा है? जितना ज्यादा उत्तर में होगा उतना लंबा दिन होगा। तो आप साथी जो लोग लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करके बताएं कि सबसे उत्तर में कौन सा है, क्योंकि कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर जाती है, और उसमें ध्यान दीजिएगा कि 8 राज्यों से होकर जाती है। एक बार कितने पर है? 23/1/2, और ये 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। अब आपको एक कमेंट करके बताना है सबसे ज्यादा कहाँ, तो यहाँ पर डी विकल्प में अर्थात श्रीनगर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। सबसे लंबा दिन भारत में जून में श्रीनगर में होगा। अगर सबसे छोटा पूछा जाता तो कहां पर होता? चेन्नई में, लेकिन सबसे बड़ा पूछा है इसलिए इस प्रश्न का उत्तर डी होगा, श्रीनगर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और आप लोगों ने एकदम सही बताया है, जिन साथियों ने प्रश्न का उत्तर सही दिया है उनको ढेरों शुभकामनाएं। और हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्योंकि आपको लगातार ऐसे प्रश्न का जवाब देते हुए आगे बढ़ते रहना है, स्क्रीनशॉट चाहे तो कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके डिस्प्ले में है, कौन सा जिला अंतरराष्ट्रीय सीमा से मिलता? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि जैसे अगर हम इस भारत की बात करते हैं, क्योंकि आज के विविध के तथ्य में आप हम देख पा रहे होंगे भारत के प्रश्न शुरुआत में मिल रहे हैं, ठीक है, तो ये भी आपके पाठ्यक्रम में है। और मैंने बताया यहाँ से इस वीडियो से आपके 5 नंबर की सीरीज तैयार होगी। माना ये हमारा भारत है, अब कह रहा है भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 7 देश की सीमा लगती है। 7 देश की सीमा लगती है कितने? भारत के 17 राज्यों से। कितने? 17 राज्यों से, जिनकी कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर लंबी। मतलब भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इसकी कुल 7 देशों के साथ लगती है, और इन 7 देशों में 17 राज्यों को स्पर्श करती है। लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न है वो आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर प्रश्न में कह रहा है कि भैया कि कौन सा जिला है, तो सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके जवाब देंगे। जो लोग इस वीडियो को लाइक देख रहे हैं, और आप लोग अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करने के बाद इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर कर दीजिएगा, और यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी, क्योंकि यह क्लास निःशुल्क राष्ट्रहित में, देश हित में। मैं एज ए प्राथमिक विद्यालय का अध्यापक मैं आपको लाइव पढ़ा रहा हूँ, मैं इसी भर्ती में मेरा चयन हुआ है, और मैं चाहता हूँ आप लोग भी चयनित होकर अपने अपने प्राथमिक विद्यालय की तरफ जाएं और अपनी जिंदगी का बेस्ट दें। देखिए उदयपुर राजस्थान में है, यहाँ पर है भरतपुर है, इसलिए कथुआ होगा। कथुआ कहाँ पर है? ये जम्मू एंड कश्मीर में है, और यह सीमा लगाता है, ठीक।
किससे स्पर्श करता है? यहाँ पर है, इसलिए यह सीमा पाकिस्तान से लगाता है। किससे? कथुआ पाकिस्तान से सीमा लगाता है। किससे? पाकिस्तान से सीमा लगाता है। एक बात, दूसरी बात आप लोग याद रखिएगा, पाकिस्तान से भारत की कितनी सीमा लगती है? तो उसका ट्रिक है पंगू राज, माने भारत की पाकिस्तान से सीमा प से पंजाब में लगती है, गुजरात, राजस्थान और जम्मू कश्मीर। माने पाकिस्तान भारत के चार राज्यों को सीमा को स्पर्श करता है, लेकिन यहाँ पे जिला पूछा है तो कथुआ जिला पाकिस्तान को स्पर्श कर एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न किसी का गलत न होने पाए, मैंने कई चीजें यहाँ पे पढ़ा दी। अगर आप इन लर्निंग विद दुर्गेश के साथ पढ़ते हुए निशुल्क क्लास में नोट्स बना रहे होंगे, यकीनन आपकी ऐसी नोट्स तैयार होगी कि यहाँ से 5 नंबर आपका फिक्स होगा इस 50 नंबर के विविध गणित सॉरी विज्ञान और सोशल की क्लास में। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है? चले, अगला प्रश्न आपके बीच है, कौन सी जगह राजनीतिक दृष्टि से यूरोप और यूरोप में भौगोलिक दृष्टि से अमेरिका में? सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। जो लोग इस वीडियो को लाइव देखेंगे सभी साथी फटाफट कमेंट करके जवाब देंगे। चलिए इसके बारे में हम थोड़ी चीजें आपको यहाँ पे पढ़ा देते हैं और थोड़ी सी बातें बता देते हैं। मेरी आपसे निवेदन है कि जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं वे प्रयास करें इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करने के लिए, ठीक है? आप सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि आप सभी साथी इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों तक शेयर कर दें, तो ताकि इसका लाभ लोगों तक पहुंच जाए, ठीक है? जो भी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे सभी साथियों से मेरा निवेदन है, बाकी आपकी इच्छा, कि मैं बार बार निवेदन करूंगा तो आप लोग कहेंगे जाने दीजिए भेजबे नहीं करेंगे, तो आपकी इच्छा है। आप समझ पा रहे होंगे मैंने क्या बनाया। ये मैंने पूरा विश्व का मैप बना दिया है। ये क्या मैंने बना दिया है? विश्व का मैप बना दिया है। मेरी बात को ध्यान समझने का प्रयास करिएगा, ये वर्ल्ड का मैप है, शायद आप देख पा रहे होंगे। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तब इस वीडियो को लाइक करिएगा, तब इस वीडियो को शेयर करिएगा। ये है उत्तरी अमेरिका, ये हमारा क्या है, ये उत्तरी अमेरिका है, बाकी आप समझ पा रहे हैं ना, ये दक्षिणी अमेरिका है, मैं रनिंग में बना दिया हूँ। यहाँ पे देखिए यूरेशिया है, ये यूरोप है और ये एशिया है, ठीक है? मैं रनिंग में बना दिया हूँ इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऐसे पैक हैं, और यहाँ पर ये मैंने रनिंग हाथ से बना दिया है, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये आपका भारत। अब यहाँ पे जो प्रश्न है, अगर आपको लग रहा है कि मैं बेहतर पढ़ा रहा हूँ तो सबसे पहला काम लाइक कर दीजिए और इसको 1000 से पार ले जाइए। 9:30 बजे प्रतिदिन लाइव आ जाइए, सिलेक्शन लेना हो तब, नहीं तो आपकी मर्जी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि राजनीतिक दृष्टि से यूरोप में है और दृष्टि से अमेरिका में, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये जो ग्रीनलैंड है, यहाँ मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, ग्रीनलैंड यूरोप में और भौगोलिक दृष्टि से ये अमेरिका में है। मतलब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, भौतिक भौगोलिक तार्किक रूप से ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका का भाग है, लेकिन यह यूरोप का हिस्सा है, इस पर कब्जा है डेनमार्क का। किसका है? डेनमार्क का कब्जा है, जी हाँ, इस पर कब्जा किसका है? डेनमार्क का, लेकिन है किसका? यह है उत्तरी अमेरिका का। ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सिलेक्शन चाहते हैं तो ध्यान से देखिएगा। दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है? ग्रीनलैंड है, यह ग्रीनलैंड लगता है तो उत्तरी अमेरिका का, लेकिन इस पर जो आधिपत्य है वो किसका है? डेनमार्क का। डेनमार्क किसका है? यूरोप का। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो ग्रीनलैंड होगा। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, अगर आपको सिलेक्शन लेना है, अगर आपको सरकारी नौकरी करनी है, तो मेरी बात गौर से समझिएगा सभी साथी, क्योंकि ये यूरोप का हिस्सा है। ये डेनमार्क पर अगर पूछा जाए कि ग्रीनलैंड पर किसका कब्जा है, तो डेनमार्क का, और डेनमार्क यूरोप का है, इसलिए यह सभी दृष्टिकोण से अमेरिका का है, लेकिन इस पर जो आधिपत्य है वो किसका है? डेनमार्क का है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ए होगा, इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है? यह क्या है? सबसे बड़ा द्वीप, ये ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। अगर महाद्वीप पूछा जाता तो एशिया महाद्वीप होता, क्लियर? मेरी बात को थोड़ा ध्यान से दीजिएगा, ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है जिस पर डेनमार्क का कब्जा है, मतलब यूरोप का कब्जा है, जबकि अन्य दृष्टिकोण से भौगोलिक राजनीतिक अन्य दृष्टिकोण से देखा जाए, भौतिक और भौगोलिक दृष्टिकोण से, तो वह किसका है? यूरोप का, अमेरिका का लगता है, ठीक है? मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ, अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, तो जल्दी से पूछ लीजिएगा।
जितने लोग वीडियो को यार आप लोग लाइक कर दीजिए, आप लोग की संख्या इतनी है लेकिन लाइक करने में लग रहा है पैसा कट जाता है, धन्य है आप सब। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सम्मेलन के नाम से प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे सभी फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके जरूर जवाब देंगे। देखिए पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जो पहला सम्मेलन हुआ था वो 1992 में हुआ था, ये बात आप लोग को याद रखना होगा। एक प्रश्न आपका यहाँ से बन गया, अब आप लोग कमेंट करके बताइए सभी साथी। अरे ठीक है, मुंह से निकल गया होगा द्वीप यार, कोई किताब से तो पढ़ा नहीं रहे हैं। हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, अगर मुंह से निकल गया होगा तो आप लोग उसको, क्योंकि आपका कमेंट भी देखना है पढ़ाना भी है, अगर भैया गलती हो गई हो तो माफी, किताब से पढ़ाना नहीं है ना यार, रट के पढ़ाना है, तो कहीं ना कहीं मुंह से निकल गया होगा। 1992 हुआ था, कहाँ हुआ था? ये हुआ था अगर पूछा जाए पूरा डेट तो ये 3 जून 1992 को रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था। ये शहर कहाँ पे है? ब्राजील में है। कहाँ पर है? ब्राजील में। ब्राजील कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का देश है, देश, ठीक। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा। जिन साथियों ने पृथ्वी पहला सम्मेलन 1992 में 3 जून को हुआ था रियो डी जेनेरो शहर में, और यह ब्राजील में है, कहां पर है? यह ब्राजील में है। और ब्राजील कहां है? अमेरिका का एक देश है जहां पर सबसे ज्यादा कहवा होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा कहवा यहीं पर होता है, और सबसे ज्यादा जैव विविधता दुनिया में, सबसे ज्यादा, ठीक है, दुनिया में सबसे ज्यादा जैव विविधता जो होती है वो ब्राजील में है। कहां पे? ब्राजील में है, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ, चाहे तो स्क्रीनशॉट क्लिक कर ले। अगला प्रश्न है, लैंड ऑफ मॉर्निंग कॉम किसका निर्देश करती है? एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आजकल ऐसे प्रश्न ट्रेंडिंग में है। लैंड ऑफ मॉर्निंग कॉम कहां पर है या इसका संबंध किससे है? तो जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे जरूर कमेंट करके बताएं, सभी साथी फटाफट कमेंट करें। लैंड ऑफ मॉर्निंग कॉम, ये बहुत ही सुंदर दृश्य दिखता है, और ये कहां पर है ये सभी साथियों को कमेंट कर देना है। अरे यार आप लोग लाइक कर दीजिए, पैसा मुझे नहीं मिलेगा लाइक करने से, लेकिन ये है कि कोई वीडियो बाद में देखेगा तो कम से कम ये ठीक ठाक पढ़ाया है। अगर आपको लग रहा है मैं ठीक ठाक पढ़ा रहा हूं तो वीडियो को लाइक करने के बाद तब शेयर करिएगा। देखिए ये दक्षिण कोरिया में है, कहां पर है? दक्षिण कोरिया में। शुद्ध पानी के झरने हैं तो देखने में सुबह के समय बहुत सुंदर लगते हैं, इसे लैंड ऑफ मॉर्निंग काम के नाम से इसे जाना जाता है। कौन सा कोरिया? लिख लीजिएगा दक्षिण कोरिया। कौन सा? दक्षिण कोरिया। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? दक्षिण कोरिया इसका सही जवाब होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दक्षिण ध्रुवीय संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था? एकदम आसान प्रश्न है, ये भूगोल का प्रश्न है, ये विविध का प्रश्न है, और यह आपके 50 नंबर की सीरीज में काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, कॉपी कलम से लिखते चलिएगा। जी हाँ, जिन साथियों ने वीडियो को शेयर किया उनका धन्यवाद, क्योंकि मैं बार बार शेयर करने के लिए कहता हूं, क्योंकि मैं इतनी ईमानदारी इसे पढ़ाऊंगा कि इससे परीक्षा से बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, इस बात की गारंटी है। और इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, लोगों तक पहुंचाइए, कर भला तो हो भला। इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वह क्या होगा, सभी साथी फटाफट कमेंट करें। यह है 1960 में हुआ था दक्षिण ध्रुवीय संधि, कब हुआ था? अगर इस पर हस्ताक्षर की बात की जाए, ध्यान से देखिएगा, अगर इस पर हस्ताक्षर की बात की, हस्ताक्षर कब खोली गई थी, तो वह खोली गई थी आपकी 1 दिसंबर 1959 को, लेकिन आधिकारिक रूप पर, अगर आधिकारिक रूप से प्रभावी हुई थी कब, ये 23 जून को। कब प्रभावी हुई थी? 23 जून 1961 को, लेकिन ऐसा कोई विकल्प नहीं है, ये प्रभावी है, ये प्रभावी हुई थी, ठीक। अब यहां पे हस्ताक्षर हुआ था, ऐसा दोनों विकल्प नहीं है, इस दशा में इस विकल्प का ए हमें चयन करना होगा। बात, ये दक्षिण ध्रुवीय संधि 1 दिसंबर 1900 को हस्ताक्षर हुआ था, लेकिन प्रभावी हुई थी 23 जून 1961 को, लेकिन यहां पर ऐसा कोई विकल्प नहीं है, निकटतम विकल्प का चयन करेंगे, इसलिए इस विकल्प का उत्तर ए होगा। इसलिए इस प्रश्न को डाउट जो था क्लियर करते चलिएगा, क्योंकि यहां पे आपकी गलत हो जाए, लेकिन परीक्षा हाल में ऐसे प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। 1963 में इस्लामाबाद के पूरी तरह से बनने से पहले पाक की राजधानी क्या थी? मतलब बात साफ है कि पाकिस्तान का पुरानी राजधानी क्या थी। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करें, क्योंकि यह ऐसे प्रश्न है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। कि जैसे मैं पूछ दूं कि भारत की राजधानी नई दिल्ली से पहले कहाँ थी, तो सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएंगे। तो हो सकता है पाकिस्तान भी पूछ दे कि पाकिस्तान का पहले राजधानी क्या थी। तो ध्यान दीजिएगा, जिस समय 1947 माने 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, उस समय जो पाकिस्तान था उसकी अगर राजधानी की बात की जाए तो उसकी राजधानी, पहली राजधानी कराची थी। कहाँ थी? कराची थी। पहली राजधानी क्या थी? कराची थी। ठीक है, यहां पर समझ में आ गया। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो कराची होगा। ठीक है, क्या होगा? कराची होगा। क्लियर? कोई डाउट किसी को यहां? इसलिए इस प्रश्न का उत्तर 20 का सही जवाब होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न के लिए, यह सारी चीजें आप लोग जानते रहिएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने डिस्प्ले पर, एनपीटी नाभिकीय नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी निम्न में से किसमें अधिकार में आया? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस बात को आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा और फिर कमेंट करके बताइएगा। अगर इस पर संधि की बात करता कि संधि कब हुई थी इस पर, अगर इस पर संधि की बात करता तो जो संधि हुई थी वो 1 जुलाई 1968 को हुई थी। लेकिन यहाँ पे अधिकार में कब आया, प्रभाव में कब आया? तो भैया अगर इसकी प्रभाव की बात की जाए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा अंतर मिलेगा कि प्रभाव में कब आया, तो आया था 5 मार्च 1970। इसलिए इस प्रश्न का जो विकल्प होगा वो क्या होगा? जो लोग इस वीडियो को लाभ देख रहे हैं वे फटाफट कमेंट करके बताएं, एनपीटी कब अधिकार में आया, कब प्रभाव में आया? ये संधि था, ये प्रभाव, और यहाँ पे अधिकार पूछा। अधिकार का मतलब कब प्रभाव में आया, कब ये प्रभाव में लागू हुआ? ये 1970 होगा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 1970। उत्तर आने के बाद आप गलती करते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में ऐसी गलती मत करिएगा। प्रश्न को बारीकी से पढ़ने का प्रयास करिएगा। आपको सरकारी अध्यापक बनना है, सरकारी शिक्षक बनना है, जूनियर और प्राइमरी का, तो छोटी छोटी गलतियां आपको इस रेस से बाहर कर देगी, इस भर्ती से बाहर कर सकती है। इसलिए मेरी बात को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए हम आगे चल रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे अगला प्रश्न है, अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करें, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करें। अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना इंजन, सभी साथी फटाफट कमेंट करें। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करें। देखिए यार, ये आपके लिए महत्वपूर्ण सीरीज है, अगर आप इसको नहीं पढ़ेंगे तो सिलेक्शन से दूर हो जाएंगे। 50 नंबर का आता है विविध जीएस और विज्ञान मिलाकर, और पूरी तरह से जीएस ही होता है। देखिए यहां पर इस प्रश्न का उत्तर होगा फेरी क्वीन, सबसे पुराना फेरी क्वीन अभी तक का है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ए होगा। ए जितने लोगों ने बताया उन लोग के जवाब पूरी तरह से सही है। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गाजा पट्टी का संघर्ष केंद्र क्या है? सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे और जवाब देंगे, गाजा पट्टी का संघर्ष केंद्र क्या है? सभी साथी फटाफट कमेंट करें। डेली क्लास के लिए सभी साथी टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, दुर्गेश सर सर्च कर ई लर्निंग विद दुर्गेश पर, जहां पर आपको निःशुल्क क्लास, निःशुल्क नोट्स आपको मिलती रहेगी। सभी साथी टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेंगे। और ऑनलाइन क्वेरी के लिए, किसी भी समस्या के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। हमारी क्लास पूरी तरह से निःशुल्क ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जनपद से। गांजा पट्टी का संघर्ष केंद्र पूछा है। देखिए गांजा पट्टी अगर हम बात करें तो यह है पश्चिम एशिया की बात हो रही है। कहां की? पश्चिम एशिया की बात हो रही है, और यह एक प्रमुख केंद्र रहा है। फिलिस्तीन और आतंकवादी बोको हरमास और इजरायली सेना के बीच लगातार हो रहा है, और फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन पीएलओ का मुख्यालय भी। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही जवाब होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके बीच है, ड्यूस मार्क कहां की मुद्रा है? सभी साथी फटाफट कमेंट करें। एक प्रश्न आपके मुद्रा से आता है, सभी साथी फटाफट कमेंट करके जवाब देंगे, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। ठीक, सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे। जी हां, पोलैंड की जलोती, अगर पोलैंड की मुद्रा पूछेगा तो क्या है? जलोती यहां की मुद्रा है आपकी। ठीक,
नीदरलैंड की गिल्डर है, नीदरलैंड की अगर मुद्रा पूछ दे तो गिल्डर है, यहाँ की मुद्रा क्या है, गिल्डर है। घाना की क्या होगी, आप कमेंट करके बताइए कि घाना की जो मुद्रा है वो क्या होगी, ये आपको बताना है। जर्मनी, देखिए ड्यूशमार्क जर्मनी की है, जर्मनी। लेकिन अब यहां पर अगर वर्तमान समय में पूछा जाएगा, इस समय वर्तमान में क्या है, तो इस समय ड्यूशमार्क था, लेकिन अब यहां यूरो हो गया। अब यहां पे क्या है, यूरो। कहां पे, वर्तमान में, वर्तमान में, वर्तमान में। लेकिन पहले क्या था, यहां पे ड्यूश, ड्यूशमार्क था, पहले क्या था यहां पर, ड्यूशमार्क। अब क्या हो गया, यूरो हो गया है, ठीक है। इसलिए प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सी प्रश्न का राइट उत्तर होगा। अब आप लोगों को कमेंट करके बताना है घाना की मुद्रा क्या है। जो साथी कमेंट लाइव देख रहे हैं वे सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे और बताएंगे कि घाना की मुद्रा क्या है। मैंने यूरो है, पहले ड्यूस मार्क थी, पोलैंड की जिलोती है, नीदरलैंड की गिल्डर है, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। आप सभी भावी शिक्षक शिक्षिकाओं को मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। ईश्वर करे जल्दी से आप लोग शिक्षक और शिक्षिकाएं बने और अपने कॉपी पर इन नोट्स की तौर पे लिखते चले। जी हाँ, घाना साउथ अफ्रीका का, अफ्रीका महाद्वीप का देश है। म्यांमार का नाम क्या है, वर्तमान समय म्यांमार का पुराना नाम क्या है, सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो सभी साथियों को जरूर से कमेंट करना होगा। देखिए अगर हम भूटान की बात करें तो भूटान का भूटान ही रह गया है। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, कल हमने पढ़ाया था, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, कमेंट करके बताइएगा, ठीक। थाईलैंड का पुराना नाम है सुवर्ण भूमि, इसे कहा जाता है सुवर्ण भूमि। भूटान का भूटानी है, भूटान का भूटानी था। वर्मा का म्यांमार था, म्यांमार था। श्रीलंका का पुराना नाम क्या, कमेंट करके बताइए, श्रीलंका का पुराना नाम क्या था, सिलोन इसका पुराना नाम था, क्या था, सिलोन। नाम क्या था, सिलोन, मतलब सिलो न। श्रीलंका का पुराना नाम क्या था, सिलोन। तो हमने चारों बता दिया, थाईलैंड की स्वर्ण भूमि, भूटान की भूटान, श्रीलंका का सिलोन, वर्मा का म्यांमार होगा। क्लियर हुआ, अगर यहां से आपके मन में कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपकी शिक्षक भर्ती के लिए अकॉर्डिंग टू सिलेबस अगर क्लास चल रही है तो अपने सभी साथियों को शेयर करिएगा, चाहे आप इसे फेसबुक पर, चाहे यूट्यूब पर, व्हाट्सएप, जहां भी वीडियो देख रहे हैं सभी को शेयर करिएगा। ये मेरा आपसे निवेदन है, एज ए शिक्षक के तौर पर मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप एक भविष्य के एक शिक्षक बनना चाहते हैं तो मेहनत की कद्र करिए, इस मेहनत को लोगों तक पहुंचाइए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था। एकदम आसान प्रश्न है क्योंकि यहां से मैं कई चीजें और आपको बताना चाह रहा हूं, इसलिए मैंने यह प्रश्न आपसे दिया कि चीन ने भारत पर कब हमला किया था। सभी साथी फटाफट कॉमेंट करके बताएंगे, सभी साथी जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी लोग जवाब देंगे। देखिए यहां पर दो बातें हैं आपको, यहां पे मैं थोड़ा सा मैप के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। अच्छा मैप भी नहीं बना, क्योंकि जब मैं चाहता हूँ अच्छा बनाना तो नहीं बनता। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले उसने अरुणाचल प्रदेश में किया था। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश। इसका पुराना नाम नेफा है, इसे नेफा कहते हैं। फिर यहाँ पे लद्दाख, ये कहाँ पे, लद्दाख और नेफा पे हमला किया था। कब किया था, 1962 में। कब किया था, 19 सितंबर को, 19 सितंबर 1962 को क्या किया था, चीन ने भारत पर हमला किया था। किसी को डाउट, कोई समस्या हो, कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपका सिलेक्शन है, मेरा उद्देश्य आपको सरकारी नौकरी दिलाना है। अगर आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने हैं इसका मतलब आप वास्तव में शिक्षक और शिक्षिका बनना चाहते हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं, सभी को विद्या माइक को समय, वीडियो को लाइक करने के बाद शेयर करना ना भूलिएगा। हम आगे बढ़ रहे अगले प्रश्न की तरफ, स्क्रीनशॉट चाहे तो कर लें। सोवियत संघ नए देशों में विभक्त हुआ, आपको पता है सोवियत संघ टूट गया और अब कितना हो गया, अब इसे रूस कहते हैं। आज भी रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी ये टूट चुका है। कब टूटा, कैसे टूटा, आप लोग को कमेंट करके बताना होगा। रूस अब टूटकर, सोवियत संघ टूटकर अलग हुआ, अब इसे रूस के नाम से जानते हैं। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट जवाब दें, सभी साथी जो लोग लाइव हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करें, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। जी हाँ, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी सिलेबस में है, महाद्वीप आपके सिलेबस में है और महाद्वीप के अंदर सोवियत संघ आता है।
ध्यान दीजिएगा, 15 देश इसका राइट आंसर होगा। नाम लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा। जी हाँ, तजाकिस्तान, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लाटविया, किर्गिस्तान, बेलारूस, मालडोवा, यूक्रेन, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रूस, ये 15 देशों में सोवियत संघ टूटा था। ठीक है, तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर 15 होगा। रूस आज भी दुनिया का सबसे बड़ा देश है, सोवियत संघ टूटा, रूस बना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, अराफात का अर्थ क्या है। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएंगे अराफात का क्या अर्थ होगा। सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। बताइए सभी लोग, अराफात का क्या अर्थ है। सभी साथी फटाफट कमेंट करें, अराफात का क्या अर्थ है। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, जरूर जवाब देंगे गलत या सही। सभी साथी फटाफट कमेंट करें। देखिए अराफात क्या है, कुछ लोग कह रहे हैं नदी का नाम है, देश का नाम है, शहर का नाम है, जनजाति क्या है। सभी साथी फटाफट गलत या सही जवाब देंगे। आप ये मानिए परीक्षा हाल में बैठे हैं, आपको नौकरी लेनी है, सरकारी टीचर बनना है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, ये जनजाति है। और आप फिलिस्तीन, देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, फिलिस्तीन के एक राष्ट्रपति थे वो इसी जनजाति के थे। उनका नाम क्या था, यासीर अराफात। उनका नाम था यासीर अराफात। इन्हीं ये अराफात जनजाति के थे, ये फिलिस्तीन के राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति थे। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी का सही जवाब होगा। सिलेक्शन वाली क्लास है, कड़े प्रश्न को हल करना सीखिए। अगला प्रश्न आपके बीच है, सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई। इसमें दो प्रश्न होगा, पहला प्रश्न सबसे पहले पंचायती राज कब लागू हुआ, दूसरा पे मैं लिख रहा हूं सबसे पहले संवैधानिक दर्जा के बाद पंचायती राज कब लागू हुआ। साथी फटाफट कमेंट करें, देखते हैं आज इस प्रश्न का सही उत्तर कौन देता है। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे सभी कमेंट करेंगे, सभी साथी कमेंट करके जवाब देंगे। यार आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं यार, बड़ा खराब लगता है मुझे, इतनी मेहनत से पढ़ा और आप लोग इतनी मदद नहीं करते। यार आप भी शिक्षक बनेंगे, आप भी जब इतनी मेहनत से पढ़ाएंगे, क्लास में बच्चे गायब होंगे, आपको कैसा लगेगा। देखिए सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था, यहाँ पे दोनों प्रश्नों को मैं हल करके बताऊंगा और मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर जरूर करना चाहूंगा। देखिए सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी के जन्मदिवस पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से राजस्थान के नागौर जिले से कब 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया। ये तो पहले प्रश्न का जवाब हो गया। अब आपको दूसरे प्रश्न का जवाब देना है, जो ये हो गया मान लीजिए आपका पहला प्रश्न, अब आपको दूसरा प्रश्न यहाँ पे बताना है। तो जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वो कमेंट करके बताएं, सबसे पहले संवैधानिक दर्जा कब मिला। तो आप जानते हैं संवैधानिक दर्जा जो मिला था 73वें संविधान संशोधन 1993 में हुआ था। मतलब कब हुआ, तो 1993 में हुआ। कब हुआ, 1993। कहाँ हुआ, पहले मध्य प्रदेश में हुआ। कहाँ पर, मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। कानूनी दर्जा लेने के बाद, संवैधानिक दर्जा प्राप्त होने के बाद 1993 में कहाँ पे, 1993 में कहाँ पर, मध्य प्रदेश में लागू हुआ। क्योंकि इसके पहले ये कानूनी जामा नहीं, प्रश्न के बारे में अच्छे से जान लीजिएगा, दो डिफरेंस है। ये मैं तब पढ़ा रहा हूँ, मैंने आप सबके लिए इतना प्रिपरेशन किया है, मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा जो अन्य यूट्यूब चैनल पे कहीं नहीं मिलेगा बात। और इसलिए प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को। इसी दिन लागू हुआ था,
याद रखिएगा, ये प्रश्न आपके परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 73 थी, 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में। इसमें जोड़ा गया था अनुसूची 11। क्या जोड़ी गई थी? अनुसूची 11 जोड़ी गई थी, याद रखिएगा। मैं उम्मीद करता हूं यहां पर सारे प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएं कि आपके मन में कोई डाउट हो गया। अगर अभी भी डाउट है तो पूछिए। अगर आप सरकारी टीचर बनने का सपना सोचे हैं, ऐसे प्रश्न आएंगे तो कैसे करेंगे? पॉइंट में मार्क बनेंगे, सिलेक्शन आपका पॉइंट में होना है। आपने देखा ना कितनी भीड़ थी 69,000 शिक्षक भर्ती में। अगर आगामी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं जूनियर या प्राइमरी की, तो आपके लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था, महात्मा गांधी के जन्मदिवस पर 2 अक्टूबर 1959 के राजस्थान के नागौर जिले में ट्रायल वर्जन किया गया था, लेकिन बाद में बलवंत राय मेहता कमेटी के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था पूरे भारत में लागू होने के लिए 73वां संविधान संशोधन 1992-93 किया गया, जिसके बाद अनुसूची 11 जोड़ी गई और 1993 में ये 24 अप्रैल को पूरे भारत में लागू हुआ और उसी दिन से पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और कानूनी दर्जा प्राप्त करने के बाद सबसे पहले मध्य प्रदेश राज्य में ये लागू हुआ। अगर आपको समझ में आ गया, क्योंकि अभी क्लास लगभग 1.5 घंटे और चलेगी, अगर आपको समझ में आया तो कितने लोग ऐसे हैं जो इस वीडियो को शेयर करेंगे, कितने लोग ऐसे हैं जो इस वीडियो को शेयर नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि दोनों बातें हैं। मेरा आत्मा ये कहता है कि मैं जो पढ़ाऊंगा उसके बाहर आपके परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप सभी साथियों से एक निवेदन, अगर आप शेयर कर रहे हैं तो वाई लिखिए, नहीं करना तो यन लिखिए, ताकि आपकी उपस्थिति हमें पता चल जाए। क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था का मतलब क्या था? ताकि जनता को प्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र का दर्शन कराना, यह अस्थायी स्वशासन का सबसे बड़ा उद्देश्य था। केवल आपसे इतना निवेदन है कि आप शेयर करेंगे यस या नो, और जितने लोग शेयर करेंगे उतना नाम मैं जान लूंगा। आगे भी अगर उनके प्रश्न होंगे मैं ये जाऊंगा, इतने लोग मेरे साथ दिल से हैं, बाकी लोग केवल टाइम पास करने आए हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा अगर आपको लगे इन्फॉर्मेशन आपके काम की, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला प्रश्न आपके बीच है, किस वर्ष असम की राजधानी शिलांग से बदलकर दिसपुर कर दी गई। यहां पर देखिए दो प्रश्न आपके परीक्षा में बनेगा, क्या क्या बनेगा आइए उस प्रश्न पर हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, आइए इस टॉपिक पर हम लोग पूरे बात करते हैं। काम चलो, मैंने भारत का मैप बना दिया, बहुत अच्छा मैप तो नहीं बना, लेकिन हाँ ये आपकी जानकारी के लिए बन गया, ये भारत का मैप है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे एक प्रश्न है असम, तो पहले देखते हैं असम कहाँ पर है। तो असम यहाँ पर है आपका, ये देखिए ये आपका असम है। असम से एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे असम है, देखिए थोड़ा सा मैं आगे बना दी, यहाँ पर ये असम है आपकी, ठीक। असम यहाँ पर हो गया जहाँ पे बंबू नृत्य प्रसिद्ध है, बंबू डांस प्रसिद्ध है, यहाँ पे बांस ज्यादा होता है, बिहू नृत्य यहाँ पे प्रसिद्ध है। अब यहाँ पे असम की राजधानी कब शिलांग से बदलकर दिसपुर कर दी गई, सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके जवाब देंगे। आपको सिलेक्शन लेना है, आपको नौकरी लेनी है, और इससे बेहतर अगर क्लास यूट्यूब पर मिल जाए इसे अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। डेली 9:30 बजे आप लाइव आइए, अगर आपको डेली पढ़ना है 9:30 बजे अलार्म लगा लीजिए, सिलेक्शन वाली क्लास शिक्षक भर्ती दोनों के लिए, ये विविध है। देखिए यहाँ पे मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बताइए कोई कमेंट करके। 1973 इसका राइट आंसर होगा। मेघालय राज्य की स्थापना हुई कब? 1973 में, ध्यान दीजिएगा 1973 में मेघालय राज्य बना। कौन सा बना? मेघालय। एक बात याद रखिएगा, मेघालय की सीमा केवल एक राज्य को स्पर्श करती है, असम को। भारत में दो ऐसे राज्य हैं, एक हो गया सिक्किम, दूसरा है मेघालय, जिसकी सीमा केवल एक राज्य को स्पर्श करती है। याद रखिएगा, इसकी सीमा वेस्ट बंगाल, इसकी सीमा असम को। देखिए यहां पर ये है आपका छोटा वाला सिक्किम, और ये नीचे वाला जो है ये है मेघालय। तो मेघालय की सीमा केवल असम को स्पर्श करती है, सिक्किम की सीमा केवल वेस्ट बंगाल को। एक प्रश्न आपका तैयार हो गया, भारत का भूगोल, ध्यान दीजिएगा भारत के भूगोल में एक प्रश्न आपका बन गया, ये भी सिलेबस में है। अब 1973 में जब मेघालय का गठन हुआ, तो इसके बाद ध्यान दीजिएगा यहां पर मेघालय राज्य की स्थापना के बाद शिलांग को मेघालय की राजधानी बनाया गया, उसी समय 1973 में दिसपुर को असम की राजधानी बनाई गई, उसी समय शिलांग जो था वो मेघालय की राजधानी बन गया। यहां पे कितने प्रश्न आपके तैयार हुए? पहला प्रश्न,
पहला प्रश्न आपका बना मेघालय की सीमा केवल असम राज्य को स्पर्श करती है, दूसरा प्रश्न बना सिक्किम की सीमा केवल पश्चिम बंगाल का स्पर्श करती है, दो प्रश्न हो गए। तीसरा 1973 में मेघालय राज्य की स्थापना हुई, उस समय इसका राजधानी शिलांग बनाई गई, लेकिन उसी समय 1973 में असम की राजधानी दिसपुर बनाई गई 1973 में। कितने लोग ऐसे हैं जिनको समझ में आ गया वो कमेंट करके वाई लिखेंगे, जिनको समझ में नहीं आया वो यन लिखेंगे, क्योंकि मैं आपको माइंड मैप कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं ताकि यहां से जुड़े हर प्रश्न आपका क्लियर हो जाए, क्योंकि आपको सरकारी नौकरी करनी है। मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप संख्या में बेहतर रहेंगे मैं आपको ऐसी सीरीज पढ़ा दूंगा कि शिक्षक भर्ती परीक्षा हंसते हंसते पास होंगे और सभी सरकारी नौकरी करेंगे, इस बात की 100% गारंटी है। तैयारी जिम्मेवारी, पढ़ाना मेरी जिम्मेवारी है, लेकिन मेहनत करना आपको, अगर आप मेहनत करने का जज्बा रखते हैं तो मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूं मैं आपको सरकारी नौकरी दिलाकर छोड़ूंगा, लेकिन आपको मेहनत करना होगा, बिना मेहनत के तख्तोताज नसीब नहीं होगा, और मेहनत से ही आपके भाग्य बदलेंगे, अन्यथा बिना मेहनत के भाग्य को भी नहीं कोस सकते आप। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ, स्क्रीनशॉट क्लिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके बीच है, किस वर्ष मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक किया गया? सभी साथी फटाफट कमेंट करें, क्योंकि यहां पर कई चीजें मैं आपको बताऊंगा, सभी लोग फटाफट बताइए कमेंट करके, मैसूर का नाम बदलकर कब कर्नाटक किया गया और कर्नाटक की राजधानी का नाम क्या है? सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताइए, सभी साथी फटाफट कमेंट करें, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करें, किस वर्ष मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक किया गया? अगर आपकी संख्या जितनी अच्छी होगी हम और ज्यादा क्लासेस लाएंगे और मेहनत से पढ़ेंगे, मैं अपना टाइम निकाल कर आपको पढ़ाता हूँ, दिन भर विद्यालय का काम देखना है, अन्य काम फिर मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक। देखिए, किस वर्ष मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक किया गया? तो 1 नवंबर, लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, 1 नवंबर 1956, मेरी बात गौर समझिएगा, में कर्नाटक राज्य की स्थापना किया गया। किसकी राज्य की? कर्नाटक राज्य की, ध्यान दीजिएगा, कर्नाटक राज्य की स्थापना की गई, लेकिन इसका जो वास्तविक रूप था वो क्या था? स्टेट ऑफ मैसूर था। इस समय क्या था? स्टेट ऑफ मैसूर, क्या था? स्टेट ऑफ मैसूर था, लेकिन 1973 में जाते जाते 1973 में इसका नाम बदलकर मैसूर से कट करके क्या बना दिया गया? कर्नाटक बना दिया गया। क्या कर दिया गया? कर्नाटक। अब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा 1973। आपको समझ में आया? क्या आपको समझ में आ गया कि मैसूर का नाम पहले बदला गया, कर्नाटक रखा गया, लेकिन कर्नाटक के बाद भी ये स्टेट ऑफ मैसूर था, लेकिन 1973 में इसे स्टेट ऑफ मैसूर हटाकर अब इसका नाम केवल कर्नाटक हो गया, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर सी होगा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी, इसलिए राइट आंसर होगा। क्लियर हुआ सबका? किसी कोई डाउट, कोई समस्या हो तो कमेंट करके पूछना है। मैंने दोनों बातें बता दी ताकि परीक्षा में कभी गलती ना हो। कॉपी कलम लिए हो तो लिखते चलिएगा, सिलेक्शन वाली क्लास है, सरकारी नौकरी मिलके रहेगी अगर आप मेहनत करने में सक्षम है तब, वरना नहीं, वो आपकी जिम्मेवारी है। मैं आगे बढ़ रहा हूं प्रश्न की तरफ, स्क्रीनशॉट करते रहिएगा। किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिस जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। ठीक है, यहां पर आप लोग को मैंने भारत का मैप बना दिया, काम चलाऊ मैप है ताकि आपको पढ़ाने में आसानी। देखिए, ए विकल्प यहां पे केरल है, यहाँ पे विकल्प ए लिख दिया मैंने, ठीक है। बी की बात किया जाए तो देखिए, यहाँ पर आपका अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर है आपका ये है आपका मणिपुर, इसका मणिपुर माने ये विकल्प बी है, और यहाँ पर है आपका विकल्प सी। डी क्या है? गोवा, तो यहाँ पर है आपका विदिशा गोवा, ठीक। मैंने चारों विकल्प आपको दर्शा दिया, अब फटाफट कमेंट करके बताइए कि किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने नागालैंड कहाँ पर बनाया, यहाँ पर, यह विकल्प सी, तो यहाँ की जो भाषा है वो नागालैंड है, वो क्या है? नागालैंड है। अब आपको बताना है कि नागालैंड की राजधानी क्या है, नागालैंड की राजधानी क्या है, ये आपको कमेंट के माध्यम से हमें बताना है। जी हाँ, ये क्लास जौनपुर जनपद से चलती है, ये लर्निंग विद दुर्गी की तरफ से, मैं आपको फ्री
राष्ट्रीय देशित में शिक्षा देता हूं, ताकि आप निशुल्क शिक्षा लेकर एक बेहतर सहायक अध्यापक बनकर आप जूनियर प्राइमरी दोनों में जाकर अपने जीवन का बेहतर देना शुरू करें। जौनपुर से क्लासेस चलती हैं, इसका उत्तर नागालैंड होगा, इसकी राजधानी कोहिमा है, कोहिमा इसकी राजधानी होगी। एकदम सही जवाब आप सभी का है, क्लियर। मैं पर अगले प्रश्न की तरफ, इसके ऊपर अगर देखा जाए तो ये अरुणाचल प्रदेश था, ऊपर क्या था, अरुणाचल प्रदेश था, ठीक। मैं आगे बढ़ रहा हूं प्रश्न की, स्क्रीनशॉट करते चलिएगा, मैप ठीक ठाक बना था ना, हाँ काम चलाऊ मैप है भाई आपके अध्ययन के लिए। अगला प्रश्न है, हेली धूमकेतु कब दिखाई देगा, सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताइए हेली धूमकेतु कब दिखाई देगा। देखिए हेली धूमकेतु का एक नाम और है, इसे पुच्छल तारा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे पुच्छल तारा के नाम से जानते हैं। कौन सा तारा, पुच्छल तारा, इसे पुच्छल तारा के नाम से भी जानते हैं, ठीक। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ऑनलाइन क्लास के लिए 6306344367 ऑनलाइन समस्या कोई हो या नोट्स हो इसलिए यहाँ पे जानकारी ले सकते हैं। बाकी निःशुल्क क्लास के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, दुर्गेशर सर्च करके 9:30 बजे फ्री क्लास आपके लिए लाइव चलती है विविध की। ध्यान दीजिएगा, पुच्छल तारा 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है, 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है। एक प्रश्न आपका बन गया कि पुच्छल तारा कितने दिनों के अंतराल पर दिखाई देता है, 76। इसके पहले कब दिखा था, तो इसके पहले 1986 में दिखा था, कब, 1986 में। अब कब दिखेगा, तो प्लस 76 साल जोड़ दीजिएगा, फिर क्या आएगा, 2062 में, कब आएगा, 2062 में। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो क्या होगा, सी का सही जवाब होगा। आपको समझ में आया, धूमकेतु का एक नाम है पुच्छल तारा, पुच्छल तारा एक बार दिखने के बाद अगले 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है, इसलिए ये इसके पहले 1986 में दिखा था, अब 76 वर्षों के बाद अर्थात 2062 में दिखाई देगा, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर सी का राइट आंसर होगा, ठीक है। इसलिए इस बात को याद रखिएगा, यहां पर अगर कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, इसे कॉपी पर लिखते चलिएगा, एक बेहतर नोट्स बना लीजिएगा, हमेशा आपके काम आएगा, क्योंकि एक बार अगर आप अपने नोट्स को देख लेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैं आपको इतना बेहतर पढ़ाऊंगा, मैं सारे प्रश्न की व्याख्या कर दूंगा, ठीक है। मैं आगे चल रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ, थ्योरी के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने डिस्प्ले पर आ गया है, किस विकसित देश के पास कोई भी नाभिकीय कार्यक्रम नहीं है। ये वीडियो फेसबुक पेज इलर्निंग विद दुर्गेश, यूट्यूब इलर्निंग विद दुर्गेश पर निशुल्क लाइव 9:30 बजे चलता है आपके लिए। किस विकसित देश के पास कोई नाभिकीय कार्यक्रम नहीं है, फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके जवाब देंगे जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, सभी साथी फटाफट कमेंट करिए, जल्दी जल्दी कमेंट करिए सभी साथी। देखिए आपने देखा होगा, एकदम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, जापान पर हिरोशिमा और नागासाकी आपने सुना होगा, परमाणु हमला हुआ था कब, 1945 में परमाणु हमला हुआ था, जब यहां पर परमाणु हमला हुआ था किसके द्वारा, यूएसए के द्वारा, किस पर हुआ था, जापान पर हुआ था। तो जापान के लोग तब से कसम खाली इतनी तबाही हो गई कि ये अपने यहां परमाणु कार्यक्रम नहीं रखते, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर सी होगा। ध्यान से समझिएगा कि कोई भी, ये विकसित देश है लेकिन यहां पर हिरोशिमा नागासाकी पर जब हमला हुआ तो इसने भी कसम खा ली कि हम कभी जीवन में, जी हां कभी जीवन में परमाणु संपन्न नहीं होंगे, और इसलिए जापान परमाणु बम से स्वयं से बचने का प्रयास करता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, आपका शीश का राइट आंसर होगा, शीश प्रश्न का सही जवाब होगा। सभी साथी कॉमेंट करके बताएं क्या आपको समझ में आ गया या नहीं आया। जी हां, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर हमला के बाद इतनी दयनीय दशा, इतनी भयानक दशा देखने के बाद थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा आपका, सही, यहां पर गलत हो जाए चलेगा, परीक्षा हाल में गलती नहीं होना चाहिए, इस बात को नोट कर लीजिए, क्योंकि आप, मेरी उम्मीद है मेरी मेहनत का फल आप सरकारी नौकरी के रूप में लाएंगे, इसलिए मैं आपके लिए इतनी मेहनत करूंगा और आप मेरे साथ मेहनत करें, यकीनन आपके माँ बाप, आपके भाई, आपके परिवार के कदमों में जल्दी सरकारी नौकरी होगी, अगर आप ऐसे प्रतिदिन आके अपना बेस्ट देंगे तब। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं, सुनामी शब्द कहां से निकला था, सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके बताएंगे कि सुनामी शब्द कहां से आया था, सभी साथी फटाफट कमेंट करें।
सभी साथी फटाफट कमेंट करें। जी हाँ कल्पना जी, आपने एकदम सही बताया। चलिए सभी साथी फटाफट कमेंट करें। देखिए सुनामी जापान का शब्द है यार, और सुनामी का मतलब होता है कि समुद्र में भूकंप आता है जब, और जब समुद्र में, जैसे काम करिए एक थाली है, इस थाली में पानी है, इसको तेजी से हिलाएंगे तो पानी बाहर की तरफ आएगा, इसे ही हम सुनामी कहते हैं। ये जापान का शब्द है, इसमें टी साइलेंट होता है। क्लियर? कोई दिक्कत कोई समस्या है तो कमेंट करके पूछिए, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। हाँ 2004 में भारत में भी इसका भुक्तभोग भोगी रहा है, 25 दिसंबर की रात। स्काउट गाइड की स्थापना किसने की थी? सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि स्काउट गाइड आपके सिलेबस में है, स्काउट गाइड आपके पाठ्यक्रम में है, स्काउट गाइड आपने चाहे बीएड बीटीसी किया, आपके शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम में इसे सम्मिलित किया गया है, तो स्काउट गाइड की स्थापना किसने किया है करें। देखिए स्काउट गाइड वेडेन पावेल ने 1907 में किया था। कब किया था? 1907 में। लेकिन गर्ल्स गाइड ये 1910 में। ये दोनों बातें आप लोग जानते रहिएगा। इसका वाक्य है सदैव तैयार रहो। इसका वाक्य क्या है? सदैव तैयार रहो। इसका आदर्श वाक्य है सदैव तैयार रहो। ठीक, समझ में आया आपको? यहां पे दो प्रश्न बनेगा। वेडेन पावेल स्थापना किया था 1907 में, लेकिन गर्ल्स स्काउट जो है वो 1910 में आया। सदैव तैयार रहो इसका आदर्श वाक्य है। क्लियर हुआ? किसी कोई दिक्कत कोई समस्या है तो पूछिए। सदैव तैयार रहो शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा के लिए। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। जी सदैव तैयार रहो, तैयार हैं आप लोग? चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यूएसए का डेट्रॉयट किसके लिए विख्यात है? सभी साथी फटाफट कमेंट करें। देखिए आपके सिलेबस में आपके पाठ्यक्रम में एक लाइन दिया है महाद्वीप, तो महाद्वीप में सभी देशों के बारे में पढ़ना है, उनकी इकोनॉमिकल के बारे में पढ़ना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। डेट्रॉयट सबसे ज्यादा पूछा जाता है और ये कक्षा 8 के भूगोल में आपको मिल जाएगा। जी हाँ, कक्षा 8 के भूगोल पार्ट 3 में आपको मिल जाएगा कि डेट्रॉयट शहर को क्या कहा जाता है, किसके लिए प्रसिद्ध है डेट्रॉयट। देखिए यहां पर यूएसए में मोटर गाड़ी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? मोटर गाड़ी के लिए यूएसए डेट्रॉयट शहर प्रसिद्ध है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ए इसका राइट आंसर होगा, इस प्रश्न का सही जवाब होगा। क्लियर? हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है पद डाउन्स अंडर किसके लिए होता है? ये डाउन्स अंडर कौन सा पद है, किसके लिए है? सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएंगे। डाउन्स अंडर, सभी साथी फटाफट कमेंट करें। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो यार आपसे फिर से मैं कहूँगा, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो वहाँ पे शेयर करिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं वहाँ शेयर करिएगा। मैं निःशुल्क आपके लिए इतनी मेहनत करके पढ़ाता हूँ, सभी क्वेश्चन को तैयार कराता हूँ। मैं अपने बचे हुए समय में यार मैं सो नहीं पाता, आपके लिए इतनी तैयारी करनी है। मैं चाहता हूँ कि एक बार अगर आप पढ़ें तो सफलता के बाद ही रुकें, इसलिए मैं हमेशा अपना बेस्ट देता हूँ। तो आपसे भी निवेदन है कि इस संख्या को 1000 के पार पहुंचाइए, ये आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। जैसे मैं आपके लिए समझता हूँ 9:30 बजे मुझे लाइव आना है, ये मेरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। मैं अपने सारे काम छोड़कर मैं आपके लिए लाइव आता हूँ, मैं अपने सारे वर्क छोड़कर मैं आपके लिए अपना बेस्ट देता हूँ। ये पूरे वर्ल्ड का मैप है। डाउन अंडर की बात की जाए तो यहाँ पर एक अंटार्कटिका महाद्वीप है, दूसरा यहाँ पर एक ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो सबसे नीचे की अगर बात करें तो दक्षिणी ध्रुव आएगा नहीं, इसलिए अगर हम अंगित करता है तो ऑस्ट्रेलिया को इंगित करता है। किसको? ऑस्ट्रेलिया को। ठीक, इसलिए इस बात को याद रखिएगा, ये डाउन्स अंडर की बात कर रहा है। ये दक्षिण ध्रुव के मतलब अगर आधे विश्व से दूर है ये और पृथ्वी के नीचे है, ये अन्य महाद्वीप से क्या है, ये नीचे है, दूर है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया होगा। क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया होगा। क्लियर? इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी इसका सही जवाब होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग सपोर्ट करिए यार, अगर अच्छी चीजों को सपोर्ट करेंगे तो और अच्छी चीजें होंगी। प्रायः ये आपकी भी जरूरत है, आपकी मदद की। आप अपने 10 मित्रों को प्रतिदिन बताइए। अगर आपको ये क्लास लगे कि वास्तव में ये क्लास पढ़कर आप सेलेक्ट हो सकते हैं, इस चैनल से
हजारों लोग सफल हुए हैं, लेकिन मैं आज इस चैनल का हिस्सा नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं आज गेस्ट फैकल्टी के रूप में मैं निःशुल्क पढ़ाने आपके लिए आता हूं, ताकि कोई भी ये ना कह सके कि पैसे के नाते वो सरकारी अध्यापक नहीं बन पाया। किसी भी भाई बहन साथी मित्र के सामने कभी भी सफलता के आगे उसकी मजबूरियाँ घुटने न टेके। इसलिए मैं आपके लिए टाइम से मैं अपने सारे काम छोड़कर लाइव आता हूं, और अगर इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। अगला प्रश्न आपके बीच है, अमेरिका के राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार बन सकते हैं? यह हाल का प्रश्न है, यह परीक्षा में पूछा जा सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति का अगर कार्यकाल पूछा जाए, कार्यकाल अमेरिका के राष्ट्रपति का तो 4 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 4 वर्ष का होता है। सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे और जवाब जरूर देंगे। देखिए, अमेरिका का कोई भी राष्ट्रपति अधिकतम 2 बार हो सकता है, तो कौन राष्ट्रपति ऐसा है जो 3 बार हुआ है? कहां का? यूएसए का। कौन सा ऐसा राष्ट्रपति है जो 3 बार हुआ है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। वर्तमान राष्ट्रपति कौन है यह भी कमेंट करके बता दीजिएगा। जो भी वीडियो को लाइव देख रहे हैं, वर्तमान समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है, 3 बार कौन बना यह बताना है आपको। 3 बार कौन बना है यह आपको जवाब देना है व्यक्तिगत रूप से। ठीक, जी हां, इस समय बाइडेन है। बाइडेन इस समय अमेरिका महाद्वीप के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। इसके पहले डोनाल्ड ट्रंप थे, उसके पहले 2 बार ओबामा थे, लेकिन 3 बार कौन था कमेंट करके बताइएगा। और आपको बताना है, जी हां, जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति हैं। ठीक है, यूएसए के जियो बाइडेन 46वें राष्ट्रपति हैं। ठीक, अभी तक किसी ने सही जवाब नहीं दिया है कि कौन सा ऐसा था 3 बार राष्ट्रपति बना। मैं आपके प्रश्न के उत्तर का जवाब का इंतजार करूंगा। क्लास खत्म होने के बाद सभी साथी कमेंट सेक्शन में सर्च करके हमें बताएंगे और मैं वहीं पे आपका जवाब इंतजार करूंगा। क्लास खत्म होने के बाद लाइव सेशन आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे कौन ऐसा राष्ट्रपति अमेरिका का 3 बार बना है। उसके बाद से 2 बार का फॉर्मूला आया, आइल ऑफ पर्ल कहां है? सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे। यहां पे आपके 5 नंबर आपके परीक्षा में फिक्स हैं, शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा विविध के 30 नंबर, 10 नंबर जीएस और 10 नंबर विज्ञान के 50 नंबर की महत्वपूर्ण सीरीज लेकर आए हैं। जो टॉपिक आज पढ़ रहे हैं, इन टॉपिकों से 5 प्रश्न आपके हूबहू आएंगे, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, नोट डाउन करना पड़ेगा सारे तथ्य को, और साथ ही साथ इसकी नोट्स आपको बनानी पड़ेगी। अगर आपको नहीं बना पाते तो यहां से टेलीग्राम से भी ज्वाइन कर सकते हैं। सभी साथी फटाफट कमेंट करके जवाब दें। सभी साथी फटाफट कमेंट करें। ये जौनपुर जनपद से क्लास संचालित हो रही है आपके लिए एकदम पूरी तरह से निशुल्क, और भी क्लास के लिए यहां पे जानकारी ले सकते हैं। देखिए, आइल ऑफ पर्ल क्या है? आइल ऑफ पर्ल क्या है? इसे मोतियों का द्वीप कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, मोतियों का द्वीप। मेरी राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है, मोतियों का द्वीप किसे कहते हैं? सभी साथी फटाफट कमेंट करें, मोतियों का द्वीप बताइए। सभी साथी फटाफट कमेंट करें, मोतियों का द्वीप किसे कहते हैं? देखिए, मोतियों के द्वीप बहरीन को कहते हैं, याद रखिएगा, मोतियों का द्वीप बहरीन को कहते हैं। एकदम राइट आंसर है बहरीन, रट्टा मान लीजिएगा। उगते सूरज का देश जापान को कहते हैं। थाईलैंड को क्या कहते हैं जरूर बताइएगा, मैंने पढ़ाया है। थाईलैंड को, स्विट्जरलैंड दोनों को मैंने पढ़ाया है, और अगर आप मेरी क्लास रेगुलर ले रहे होंगे तो जरूर बताएंगे। इस प्रश्न का उत्तर बी होगा, मोतियों का द्वीप आइल ऑफ पर्ल बहरीन को कहा जाता है। क्लियर? एनी डाउट किसी को? मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट पल्लवित थे? सभी साथी जवाब दें, क्योंकि मैं चाहूंगा इस प्रश्न का जवाब देते रहें। जैसे अमरावती शब्द आपके दिमाग में आएगा, आपको पता हो जाना चाहिए अमरावती कहां पर है। जी हां, हाथियों की भूमि थाईलैंड को कहते हैं, व्हाइट भूमि। चलिए, आप इस प्रश्न का उत्तर मैं बताता चलूं, आंध्र प्रदेश इसका सही जवाब होगा। इस प्रश्न का उत्तर आंध्र प्रदेश होगा। जिन साथियों ने इसका उत्तर सी दिया था, उनके जवाब पूरी तरह से सही है।
मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। लाल फीताशाही का मतलब क्या है? सभी साथी फटाफट कमेंट करें। क्लास खत्म होने के बाद इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे इकट्ठा मिल जाएगी, जहां पे आप दुर्गेश्वर सर्च करें या इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सभी चीजें यहां पे निशुल्क आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आप सभी टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा और अपने सभी साथियों को 10-10 लोग को जोड़िए फेसबुक पे ई लर्निंग विद दुर्गेश। देखिए लाल फीताशाही का मतलब क्या है, कमेंट कर बताइए। देखिए यहां पर होता है विलंब करना। लाल फीताशाही मतलब जो सरकारी नौकरी करते हैं, सरकारी दफ्तर में वो काम को विलंब करते हैं, उसे कहा जाता है लाल फीताशाही, माने काम को लेट करना, लाल फीताशाही। ठीक है, ये सरकारी दफ्तरों में होता है। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, अच्छा पीडीएफ आपको जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि इस समय इतनी व्यस्तता चल रही है, मैं पूरी दिन पढ़ने में टॉपिक बनाने में व्यर्थ हो जाता है। उसके बाद जब वाटर मार्क लग जाएगा, ठीक, वाटर मार्क लगने के बाद मिलेगा, तो जैसे ही होगा एक ही दिन मैं आपको सब उपलब्ध करा दूंगा, तो जुड़े रहेंगे तब तो मिलेगा। अगला है आपका, जवाहर सुरंग किस राज्य में है? एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है, सभी साथी फटाफट कॉमेंट करके बताएं। ठीक, सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएं, जवाहर सुरंग किस राज्य में है? सभी साथी फटाफट कमेंट करें, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर में, यार एकदम यार आसान सा प्रश्न है। जी हाँ, जवाहर सुरंग कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है, एक राजमार्ग है, राजमार्ग है ये। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मोबाइल द्वारा संपर्क सेवाओं में से तीन आशय क्या होता है? सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएंगे, मोबाइल द्वारा संपर्क सेवाओं में तीन से क्या अति, फटाफट कमेंट करें। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। सभी साथी फटाफट कमेंट करें, मोबाइल द्वारा संपर्क सेवाओं में तीन से क्या आशय है? सभी साथी फटाफट कमेंट करें। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करके जवाब दें, ये लाइव चल रही है आपके लिए, आप लोग की संख्या बढ़ाने की जगह कम करते जा रहे हैं। चलिए हम भी क्लास जल्दी खत्म करेंगे तब। देखिए यहाँ पे जैसे 2G था, यहाँ पे क्या था? 2G था, यहाँ पे क्या था? आपने हम लोगों ने पढ़ा था 2G, 3G, 4G। इसका जी का मतलब क्या होता है? गधा नहीं होता, ये पीढ़ी होती है, जनरेशन होती है। तो 3G का मतलब क्या होगा? तीसरी पीढ़ी, ये पीढ़ी होता है, जनरेशन की बात करता है। कहते हैं ना ये 2G है, 3G है, 4G है, 5G है, तो ये मोबाइल में जो जी का प्रयोग किया जाता है ये उसकी पीढ़ी की बात करता है, जनरेशन की बात करता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा तीसरी पीढ़ी, इसका सही जवाब होगा। 4G होता, 4th generation होता। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके बीच है, सीता का अर्थ क्या था, क्या होता है? सभी साथी फटाफट कमेंट, सीता होता है, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी कमेंट करके जरूर जवाब देंगे, सीता का क्या अर्थ होता है? देखिए अगर सीता, ये वाला सीता होता तो यहां पर होता गुप्त काल में सीता का अर्थ क्या है, मौर्य काल में सीता का अर्थ क्या होता, मौर्य काल में सीता का अर्थ क्या होता? लेकिन यहां पर सीता है, यहां पर सीता है, इसका मतलब क्या होगा? लेकिन इस सीता का मतलब होता है, सभी साथी जरा एक बार बताएं। देखिए शक्कर या चीनी होता है, शक्कर या चीनी इसका होता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ए इसका राइट आंसर होगा, शक्कर या चीनी होता है। ध्यान दीजिएगा, देखिए आप हमेशा वो क्वेश्चन पढ़िए जो आपने कभी नहीं पढ़ा है, आप सरल प्रश्न मत पढ़िए जो बार बार आपको मिलता है। तो सीता का अर्थ चीनी होता है, यहां पर क्या होगा? चीनी होगा, इसलिए प्रश्न का उत्तर ए सही है। और आप बताइएगा मौर्योत्तर काल में सीता का मतलब क्या होता था, ये जवाब आप लोग कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा, चाहे बाद में दीजिएगा चाहे अभी दीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, कोणार्क का मंदिर किस देवता का है? ये मैं पढ़ाया हूं और मैं पढ़ाते समय इस बात को जरूर जिक्र करता हूं, मैं पढ़ाते समय जब व्याख्या करता हूं तो व्याख्या माने रखती है। कोणार्क मंदिर किस देवता का है? सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे, कोणार्क मंदिर किस देवता को समर्पित है? सभी साथी फटाफट कमेंट करें।
जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, जो सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं, भविष्य में सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, वे सभी कमेंट करके बताएं कोणार्क मंदिर किस देवता को समर्पित है, बताइए। देखिए अगर कोणार्क मंदिर की बात की जाए तो यह गंग वंश के राजा ने बनवाया था। किस वंश के राजा ने? गंग वंश ने बनवाया था। किस राजा ने बनवाया था? नरसिंह देव प्रथम ने। नरसिंह लिख लीजिएगा, यह भी पूछ सकता है किसने बनवाया था। नरसिंह देव प्रथम ने इसे बनवाया था। कितने दिन इनका कार्यकाल क्या था? ये 1236 से लेकर 64 तक इनका कार्यकाल था। ठीक, यह मंदिर कहां पर है? ओडिशा में है। कहां पर है? ओडिशा में है। ये ओडिशा में है। कहां पर है? ये सूर्य देवता को समर्पित है। कितने प्रश्न आपके तैयार हुए? पहला प्रश्न, किस वंश ने बनवाया था? गंग वंश ने। गंग वंश का कौन सा राजा था? ठीक, कौन सा राजा था? राजा की बात करते हैं, राजा कौन था? नरसिंह देव प्रथम। कार्यकाल क्या था? 1236 से 1264 तक था। कहां पर है? ओडिशा में है। किस देवता समर्पित है? सूर्य देवता को समर्पित है। तो एक प्रश्न में हम आपके कई प्रश्न तैयार कराते हैं, इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी छूटे, लेकिन 9:30 बजे की ई लर्निंग विद दुर्गेश की क्लास कभी ना छूटे। ये आप लोग रट्टा मार लीजिए, आप अलार्म लगा लीजिए। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मैं एक सहयोग मार्गदर्शक की भूमिका निभा सकता हूं। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। वीडियो को कई बार देखा करिए, एक बार नहीं कई बार। ठीक है, चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए, ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहते हैं? सभी साथी फटाफट कमेंट करें, बताइए ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहते हैं? सभी साथी फटाफट कमेंट करें, आप अपने 10-10 साथियों को जोड़िए अगर आपको क्लास बेहतर लगे तब। सभी साथी बताइए ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहते हैं? हमें आराम से पढ़ाना है, आपको सिलेक्शन दिलाना है, हम सारे प्रश्न को पढ़ाएंगे तब तक जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए। अगर जिनको जल्दी है वो जा सकते हैं। ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। देखिए वहां पर ब्लू बुक होती है। कौन सी? ब्लू बुक, ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट की तरफ। क्लियर? चलिए याद रखिएगा, ब्लू बुक इसका राइट आंसर होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। व्हाइट, ठीक है, अगला है श्वेत पत्र भारत का है। एसी नारबू का मतलब क्या होता है? एसी नारबू का मतलब क्या होता है? सभी साथी फटाफट कमेंट करें। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएंगे एसी नारबू का मतलब क्या होगा। सभी साथी फटाफट कमेंट करें। आपको ये देखना कितने सरकारी शिक्षक और शिक्षिका हैं जो लोग भविष्य में कुछ बेहतर करना चाहते हैं। देखिए अपने जैसा लोगों दलाई लामा जाने जाते हैं, अपने लोगों में जैसे दलाई लामा जाने जाते हैं, दलाई लामा अपने लोगों के बीच में, मतलब दलाई लामा को अपने लोग उन्हें एसी नारबू कहते हैं। क्या कहते हैं? एसी नारबू कहते हैं। जैसे जो तिब्बत के लोग हैं वो दलाई लामा को नारबू कहते हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। बोकारो स्टील लिमिटेड किसकी मदद से स्थापित हुआ था? बोकारो स्टील लिमिटेड किसकी मदद से स्थापित हुआ था? सभी साथी फटाफट कमेंट करें। स्टील लिमिटेड किसकी मदद से स्थापित हुआ था? बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। देखिए मैंने आपको बार बार बताया कि जो चीजें मैं पढ़ाऊंगा वो आपको पूरी तरह से स्पष्ट रूप से पढ़ाऊंगा। जी हाँ, ये इस समय झारखंड में। बोकारो स्टील लिमिटेड कहां पर है? झारखंड। एक प्रश्न आपका बन गया, कहां पर है? झारखंड में है। पहले कहां था? बिहार में था। कब बना था? 1964 बना था। किसकी मदद से बना था? बताइए, सोवियत यूनियन रूस के सहयोग से बना था। कब बना था? 1994 में बना था। क्लियर? सारे डाउट क्लियर? कोई दिक्कत? अब सोवियत यूनियन रूस 1964 में, अब किसी कोई दिक्कत है, समस्या है, कमेंट करके पूछे। कहां पर है? झारखंड में है। पहले कहां था? बिहार में था। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों की नहीं? स्क्रीनशॉट लीजिएगा सभी साथी। अगला प्रश्न आपके बीच है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग महाराष्ट्र
छत्तीसगढ़ उड़ीसा है। देखिएगा मैं एक छोटा सा मैप बना के मैं चाहूंगा कि इस तथ्य को और अच्छे से आपको व्याख्या कर सकूं। चलिए ये माना हमारा भारत है, काम चलो मैंने भारत बना दिया। अभी कह रहा है कि महाराष्ट्र यहां पर है, महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ ओडिशा ये देखिए यहां से हो गया ये महाराष्ट्र छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से ओडिशा, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है? देखिए ये राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 है। क्या है? 6 है। ये देखा जाए ये झारखंड, ये ओडिशा होते हुए फिर ये पश्चिम बंगाल निकल जाती है। कहां? पश्चिम बंगाल निकल जाती है। इसकी लंबाई अगर देखा जाए तो कितनी है? 1949 किलोमीटर है। हजीरा से कोलकाता जोड़ती है, कहां से? हजीरा। हजीरा कहां पर है? ये महाराष्ट्र में है। किसको जोड़ती है? कोलकाता को भी है। कोलकाता कहां पर है? वेस्ट बंगाल में है। कहां पर है? वेस्ट बंगाल में है। तो याद रखिएगा ये हजीरा से कोलकाता को जोड़ती है, इसकी लंबाई 1949 किलोमीटर है। ठीक है, ये राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 इसका आंसर होगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। हाँ, ये ओडिशा होते हुए ये महाराष्ट्र यहाँ पश्चिम बंगाल जाती है। ये देखिए महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ ओडिशा और पश्चिम बंगाल। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ, स्क्रीनशॉट क्लिक कर ले। अगला प्रश्न आपके बीच है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की जिम्मेदारी है। सभी साथी फटाफट कमेंट करें कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली है उसकी जिम्मेदारी किसकी है, जरा फटाफट कमेंट करें। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करें कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की जिम्मेदारी, जल्दी से फटाफट कमेंट करिए, किसकी जिम्मेदारी है भाई साहब? देखिए वो केंद्र सरकार की है, राष्ट्रीय राज्य सरकार की है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य यातायात व्यवस्था को लोगों तक पहुंचाने का होता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर केंद्र सरकार होता है, क्योंकि आपने देखा होगा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण, ध्यान से यहां पे मैं लिखवा दे रहा हूं, राष्ट्रीय राजमार्ग, आपने सड़कों किनारे देखा होगा राजमार्ग विकास प्राधिकरण, कौन सा? ये राष्ट्रीय राजमार्ग, ध्यान दीजिएगा, ठीक, केंद्र सरकार का होता है। क्लियर, ये बात आप लोग अच्छी तरह से जानते रहिएगा। क्लियर हुआ? चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। अगला प्रश्न है, चाय उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके बताएंगे कि चाय के उत्पाद में भारत का कौन सा स्थान है। सभी साथी जल्दी जल्दी कमेंट करें और कमेंट करके जवाब दें, बताइए सभी साथी फटाफट कमेंट करके। देखिए चाय उत्पादन में अगर भारत की बात की जाए तो कौन सा है, बताइए कमेंट करके, पहला है कि दूसरा है? देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला प्रश्न है, चाय उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? देखिए यहां पर ये चीन है, भारत है। ठीक है, एक बार इसको ध्यान से मिला लीजिएगा, अगर कोई नया आंकड़ा आया हो तो अपडेट कर लीजिएगा, अगर कोई नया आंकड़ा होगा तो एक बार आप अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए आप अपडेट कर लिए, एक बार ध्यान दीजिएगा, चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिएगा सभी साथी, फटाफट कमेंट करें, चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करें, चिपको आंदोलन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? सभी साथी फटाफट कमेंट करें। अगर चिपको आंदोलन की बात की जाए, एकदम आसान प्रश्न है, ये पर्यावरण संरक्षण से है। चिपको आंदोलन उत्तराखंड के चमोली में 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले में
सिर्फ हुआ था। इसमें जो महिलाएं थी वो पेड़ को पकड़ लेती थी, चिपको आंदोलन, ठीक, ताकि पेड़ न कटने पाए, पर्यावरण को बचाने के लिए। सुंदरलाल बहुगुणा इसका सही जवाब है, ठीक है। एक प्रश्न मैं यहां से आपसे जरूर पूछना चाहूंगा कि अपिको आंदोलन का संबंध किससे है, अपिको आंदोलन का संबंध किससे है? तो जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जरूर कमेंट करके बताएं अपिको आंदोलन का संबंध किससे है, ठीक। चलिए आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। रूसी क्रांति का प्रमुख सूत्रधार कौन था? जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करें सभी साथी, रूसी क्रांति का सूत्रपात कौन था? व्लादिमीर लेनिन, व्लादिमीर लेनिन इसका सही जवाब होगा, व्लादिमीर लेनिन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपका, गंगा का उद्गम कहां से हुआ है? गंगा पांच राज्यों से होकर जाती है, पांच राज्यों से होकर 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो यूपी में सबसे ज्यादा, सबसे कम की बात की जाए तो झारखंड में सबसे कम, सबसे कम कहाँ, झारखंड में मात्र 40 किलोमीटर की यात्रा करती है। यह बड़ा प्रश्न है आपके लिए, कहां से निकलती है सभी साथी जरूर कमेंट करके बताएंगे। हाँ, जब निकलती है तब उसका नाम भागीरथी होता है, लेकिन अलकनंदा से मिलने के बाद उसका नाम गंगा हो जाता है। तो सभी साथी फटाफट कमेंट करें, एकदम आसान प्रश्न है, यहाँ पे गोमुख इस प्रश्न का सही जवाब होगा। जितने लोगों ने प्रश्न का उत्तर गोमुख बताया है उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही होगा। देखिए अभी इस प्रश्न को पढ़ना है, कभी से कम आधे घंटे क्लास आपकी और चलेगी, तो एक बार आपसे फिर से निवेदन है कि एक बार वीडियो को लाइक करने के बाद दोबारा शेयर कर दें, चाहे अपने फेसबुक ग्रुप पर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, अपने साथी मित्रों को स्टेटस पर, ताकि आपके परिवार, आपके माता पिता, आपके गुरुजन, आपके मित्र, सभी लोग इस वीडियो को देखें और अपना बेहतर करें, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप रेस के घोड़े हैं। और गधे खेत में अच्छे लगते हैं, घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, और आप रेस के घोड़े हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके बीच है, गुज्जर किस राज्य से संबंधित है? जो भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं कमेंट करके बताएं गुज्जर का संबंध किससे है, बताइए। देखिए उत्तर भारत में एक निवास करती जनजाति, उसे हम गुज्जर कहते हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा जम्मू एंड कश्मीर। एक जनजाति टाइप के लोग निवास करते हैं, जैसे आपका राजस्थान है, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, ये उत्तर भारत का क्षेत्र है, निवास करने वाले को हम गुज्जर कहते हैं, ठीक है, एक तरह उत्तर भारत इसको हम मान सकते हैं। अगला है भारत कितने है, सभी साथी फटाफट कमेंट करें, विविध का है, अगर आपको सरकारी शिक्षक बनना है विविध आपको अच्छी तरह से पढ़ना होगा। यहां से विविध में 30 नंबर का विविध, 10 नंबर का जीएस, 10 नंबर की साइंस, 50 नंबर की सीरीज, जहां पर आपके 50 प्रश्नों की तैयारी अपील लानी भी दुर्गेश पर, प्रतिदिन रात 9:30 दुर्गेश पर लाइव फ्री क्लास चलती है। इसके लिए आप लोग टाइम लगा लीजिए, अलार्म लगा लीजिए, ये क्लास एक दिन 1.5 से 2 घंटे की चलती है, क्योंकि आपको सरकारी नौकरी दिलाना है और आपको मेहनत करना होगा। जी हाँ, जो ऑनलाइन ज्वाइन किए वो भी पढ़ेंगे, जो नहीं ज्वाइन किए वो भी पढ़ेंगे, इसकी लिंक टेलीग्राम पे मिलती है, दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा सभी निःशुल्क क्लास के लिए। देखिए इसकी शुरुआत देखा जाए तो 1972 को पिन को, ये पिन की शुरुआत भारत में हुई थी, लेकिन अगर इसका कोड देखा जाए तो कुल 9 अंकों का होता है। कितने अंकों का होता है? 9 अंकों का होता है। जोन कितने हैं? यहाँ पे कोड जोन पूछा है, क्या पूछा है? जोन। अगर संख्या पूछता, ध्यान दीजिएगा, अगर पिन की संख्या पूछता तब कितना? 6 होता। जोन पूछा है तो जोन कितने हैं? 9। जोन पूछा है 9, ये दोनों बातें याद रखिएगा, सभी साथी ध्यान दीजिएगा, समझ में आया आप लोग को? अगर जी हाँ, क्लियर हुआ आप सभी को, या कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। जोन पूछेगा तो 9, यहां पे जो पूछा है, संख्या पूछेगा तो 6, सही है। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ, क्लियर हुआ? किसी को डाउट हो तो जरूर पूछ सकता है। जोन पूछेगा तो 9, संख्या पूछेगा तो 6, हो सकता है कुछ लोग गलती करके 6 लगा देते, लेकिन 6 यहां पर गलत होगा। क्लियर? एनी डाउट?
अगला प्रश्न आपके बीच है, मैन ऑफ द डेस्टिनी किसे कहा जाता है? मैन ऑफ द डेस्टिनी किसे कहा जाता है बताइए। देखिए यह सभी साथी बताएंगे, नेपोलियन, नेपोलियन को मैन ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है। उसे विश्वास था कि वह भाग्यवादी है। उसे क्या विश्वास था? कि वह भाग्यवादी है। क्लियर हुआ? इसलिए प्रश्न का उत्तर क्या होगा, मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसार का सबसे प्राचीन राजतंत्र कौन सा है? जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथियों से निवेदन है कि कमेंट जरूर करेंगे, प्रश्न का जवाब जरूर देंगे, यहाँ पे गलत हो जाए लेकिन परीक्षा हाल में गलती नहीं होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि यह सारे प्रश्न, ये सीरीज आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो मेरा फिर से निवेदन है कि लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। एक शिक्षक, एक शिक्षिका होने के नाते आपका ये दायित्व तो होता है। संसार का सबसे प्राचीन राजतंत्र पूछा है तो इस प्रकार जापान होगा। लगभग 1500 से अधिक वर्षों से जारी है, लगभग 1500 सालों जारी है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जापान इसका राइट आंसर होगा। संसार का सबसे पुराना पूछा है, सबसे प्राचीन पुराना जापान इसका सही जवाब होगा। क्या होगा? जापान होगा लगभग 1500 सालों से। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस देश ने रंगभेद की नीति अपनाई? एकदम आसान प्रश्न है, अगर आप थोड़ा बहुत जानते होंगे इस प्रश्न का उत्तर आसानी से दे लेंगे। अभी नेल्सन मंडेला आपने देखा होगा, नेल्सन मंडेला काफी चर्चित थे, उस आधार पर आपको इस प्रश्न का जवाब देना है। तो दक्षिण अफ्रीका सही जवाब है इसका। जी हाँ, जिस नेल्सन मंडेला ने किया था, जी हाँ सही जवाब दिया है नेल्सन मंडेला। क्लियर हुआ? कोई डाउट किसी को? हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्क्रीनशॉट चाहे तो प्रश्नों का कर लें। बिग ब्रदर प्रथम प्रदर्शन कहां किया गया था? सभी साथी फटाफट कमेंट करें, यहां से आपके 5 नंबर फिक्स आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। ये बस 50 नंबर का है और मेरा उद्देश्य आपको सरकारी नौकरी दिलाना है, लेकिन ये मेरा उद्देश्य तब पूरा होगा जब पूरे ईमानदारी मनोयोग के साथ इस वीडियो पे अंत तक बने रहेंगे और सभी टॉपिक को नोट डाउन करेंगे, उसे तैयार करेंगे, बाद में वीडियो को 102 बार रिवीजन करेंगे। ठीक, बिग ब्रदर का प्रदर्शन नीदरलैंड में किया था। ठीक है, यह एक टीवी चैनल सेलिब्रिटी बिग ब्रदर भारत की फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने जीता था 2007 में। ठीक, जैसे बिग बॉस होता है वैसे बिग ब्रदर भी होता है। क्लियर? बिग बॉस बिग ब्रदर भी है, नीदरलैंड। अगला है विशालकाय दूरसंचार कंपनी हचिंस किस देश की है? सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएं। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं हचिंस की बात कर रहा है, जरा तेजी से बताएं क्योंकि क्लास को खत्म करना है, क्योंकि आपकी संख्या नहीं बढ़ रही है, आप हमारी मदद नहीं कर रहे हैं, इस चैनल की मदद नहीं कर रहे हैं। मैं निःशुल्क आपको पढ़ा रहा हूं, मैं अपना काम छोड़कर मैं रात भर जगकर आपके लिए क्वेश्चन सेट करता हूं, दिन में उसके आंसर की तैयारी करता हूं, कहां कहां से आपको पढ़ाया जाए, फिर भी आप लोग इतनी मदद नहीं कर पाते। हांगकांग इसका सही जवाब होगा, हांगकांग 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारत में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जिलाधीश का पद कब सृजित हुआ? जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, जितने भी सरकारी शिक्षक बनने का सपना सजोए हैं, शिक्षिका सपना सजोई हैं, वे इस बात को जरूर जानते रहे। कहते हैं कलेक्टर बनोगे क्या, कलेक्टर बनोगे का? ठीक, समझ में आया? डिस्ट्रिक्ट, हाँ, जिसे आप डीएम कहते हैं, तो भैया आपको डीएम के बारे में तो जानना चाहिए ना, कहीं आपको सिलेक्शन लेना है, आपको सरकारी नौकरी जो करनी है, बताइए कमेंट करके। देखिए अगर मैं आप बात डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की बात करें तो 1772 इसका सही जवाब होगा। ठीक है, कैसे? 1772 में वारेन हेस्टिंग आया था। किसने शुरू किया था? वारेन हेस्टिंग ने। लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा वरना पछताएंगे। वारेन हेस्टिंग ने शुरू किया था। अगर ये देखा जाए कब से कब तक था, तो भैया ये 1772 से 85 तक। अगर वारेन हेस्टिंग की बात की जाए तो इसने 1792 में जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को एक डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में सपोर्ट कर दिया। अब बाद में लॉर्ड विलियम बेटी का समय आया तो उसने डिस्ट्रिक्ट जज में
मैजिस्टीरियल कार अलग कर दिया, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साथ जोड़कर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कलेक्टर को पद कर दिया। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर जो था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, वह होगा डी का राइट आंसर है। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके बीच, चलिए आज का प्रश्न यहाँ पे खत्म होता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, हो सके तो आप वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आपसे मेरा एक प्रश्न है, अगर आप वीडियो को लाइव देख रहे हैं तो मेरा आपसे प्रश्न है, सभी साथी फटाफट कमेंट करके जरूर बताइएगा। जी हाँ, जो लोग लाइव देख रहे हैं, म्यांमार की राजधानी क्या होगी, म्यांमार की राजधानी सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि म्यांमार की राजधानी क्या है। डेली अन क्लास और नोट संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप ई लर्निंग दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर जुड़ सकते हैं। ये क्लास जौनपुर आपके लिए संचालित की जाती है प्रतिदिन रात 9:30 बजे। ये क्लास फ्री चलती है, आप चाहे तो इसका नोटिफिकेशन या आप चाहे इस वीडियो के अलार्म लगा लीजिएगा। और ये वीडियो का लिंक कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम पे मिलेगा, दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश के फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब पे जुड़े रहेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य आपको सिलेक्शन दिलाना है और आपका उद्देश्य है प्रतिदिन कक्षा में 10 लोगों को जोड़िए और वीडियो को लाइक करने के बाद सभी साथी मित्रों को शेयर करिए। जिन्होंने वीडियो किया है, वीडियो को शेयर किया है, ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ वह जल्दी से सरकारी नौकरी करे, और जिन लोगों ने वीडियो को लाइक किया है भगवान करो ऐसे ही काम करते रह जाए जीवन भर, क्योंकि अच्छे लोग अच्छी जगह जाए और बुरे लोग बुरे जगह जाए, क्योंकि सभी के कर्म के आधार पर उनको फल मिलता है। इसलिए मैं उम्मीद करूंगा आप लोग जल्दी से अपने माता पिता का सपने साकार करेंगे और अपना बेस्ट देंगे। आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो, जरूर पूछिएगा। मेरा प्रश्न आपसे था कि कौन सा अमेरिका का राष्ट्रपति है जो 3 बार बना था और हमेशा ज्यादातर 2 बार लोग बनते हैं, ये 2 बार का नियम है, 3 बार कौन बना था, आप उसका जवाब जरूर देंगे क्लास खत्म होने के बाद, जब वीडियो के अंत में आप बताएंगे, ठीक है। तो भारत में कोई भी व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, ये सवाल आपसे है कि भारत में कोई भी व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है और अमेरिका में 3 बार कौन राष्ट्रपति बना था, इन दोनों सवाल का जवाब आप सभी को देना है, ठीक है। तो जो भी साथी वीडियो को लाइव देख रहे थे, आपसे मेरा निवेदन है कि अगर एक शिक्षक शिक्षिका होने के नाते आप 10-10 लोगों को प्रतिदिन क्लास में जोड़िए और इस क्लास के बारे में बताइए कि अगर आपको लग रहा है कि ये क्लास से आप सेलेक्ट हो सकते हैं, इस क्लास की बदौलत आप शिक्षक भर्ती परीक्षा बेहतर अंकों से उत्तीर्ण कर सकते हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर करने के साथ साथी मित्र को जरूर बताइएगा। मुझे बार बार कहना पड़ता है इसलिए ताकि मेरी मेहनत का फल लोगों तक पहुंचे और आप एक शिक्षक के रूप में, शिक्षिका के रूप में, सरकारी शिक्षक के रूप में अपना सपना साकार करें और अपने माता पिता का, परिवार का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ, 1.5 घंटे से मेरी क्लास चल रही थी इसलिए गला भी सूख गया है, गला भी बैठने का कगार पर है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जौनपुर जनपद से सहायक अध्यापक दुर्गेश जायसवाल, जी हाँ 69 हज़ार शिक्षक भर्ती में फर्स्ट फेज में मेरा चयन हुआ है, इसलिए मैं आपको निःशुल्क क्लास लेकर आता हूँ, राष्ट्रहित में, देशहित में, मैं अपने बचे हुए समय में मैं आपको अपना बेहतर देता हूँ ताकि आप अपना नाम, अपने माता पिता, अपने परिवार का नाम रोशन कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। अमेरिका में 2 बार बनते हैं, 4 वर्ष का कार्यकाल होता है, कौन सा ऐसा राष्ट्रपति है जो 3 बार बना था, लेकिन इसका जवाब क्लास खत्म होने के बाद जाकर। बहुत बहुत धन्यवाद। कितने लोग डेली क्लास में 10 लोग को जोड़ेंगे, सभी साथी जरा कमेंट करके बताइए, क्योंकि लोग का काम निकलता, लोग भागना शुरू करते हैं। जितने लोग वाई वो और यन कमेंट करके बताएंगे, यस वाले हाँ बाकी है, ठीक है। ये फेसबुक पेज पर भी मिल जाएगा, सभी क्लास निःशुल्क रहेंगी, राष्ट्रहित में, देशहित में शिक्षा होगी। तो चलिए बाय बाय, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, बार बार मुझे कहना पड़ता है। जय हिंद, जय भारत, ठीक, वंदे मातरम, ये आपकी जिम्मेवारी है, मेरी नहीं, मैं अपनी जिम्मेदारी बखूबी ईमानदारी से निभा रहा हूं, अब आपकी बारी है, अपनी बारी, अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार है, अगर हाँ तो अच्छा, बाय, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, बाय बाय।